है एवरीवन, दिस इज मधु सोलंकी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओबीएस स्टूडियो के किसी भी ओल्ड वर्जन को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। रीज़न आपका ये हो सकता है कि आपको अपडेटेड वर्जन इतना अच्छा नहीं लगा या जो वर्जन आप पहले यूज़ कर रहे थे तो वो आपके लिए ज़्यादा लाइकली था। क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप पहले कौन सा वर्जन को यूज़ कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आप भूल गए कि आप पहले कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे थे। उसके लिए मैं आपको अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरे लेफ्ट अपर कॉर्नर पर मेरा वर्जन लिखा हुआ है 27.2.4। मैं करंटली इस वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं जब आपने अपने वर्जन को अपडेट कर लिया है, तो आपका अपडेटेड वर्जन ही यहाँ पर लिख कर आएगा। बट अगर आपको ये पता करना है कि आप पहले कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे थे, उसके लिए आपको जो भी वीडियो आपने अपने पुराने वर्जन से रिकॉर्ड किया होगा उस वीडियो को ओपन करना है और यहीं अपर कॉर्नर में आपका जो भी वर्जन था वो लिख कर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूँ और देख लेते हैं किस तरीके से हम ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आपको अपने सर्च बार में टाइप करना होगा डाउनलोड ओल्ड वर्जन ऑफ ओबीएस स्टूडियो, देन आपकी ये वाली वेबसाइट है www.videohelp.com, इसे आप ओपन कर लेंगे। और आज तक OBS स्टूडियो के जितने भी वर्जन लॉन्च हुए हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी इस वेबसाइट पर प्लेस्ड हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होगा कि वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 86 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑब्वियसली 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को OBS स्टूडियो अब सपोर्ट नहीं करता है। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इस इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेता हूँ। जो मैं इंस्टॉलर डाउनलोड करना चाहता हूँ वो 27.2.4, तो मैं इसे इंस्टॉल कर लूँगा। अभी थोड़ा वेट करते हैं और इसे डाउनलोड होने देते हैं। देखिए, तो अब ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं यहाँ से इसे ओपन कर लूँगा। कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपका खुलकर आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, डिफॉल्ट सेटिंग को यस करना है, ये आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है तो मैं इसे आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से OBS स्टूडियो के ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अलॉट।